यूँ तो मोहब्बत के शहर आगरा में कई छोटे बड़े सैकड़ों मंदिर मौजूद हैं, लेकिन आगरा में बड़े हनुमान मंदिर की बात ही कुछ और है, क्योंकि यह मंदिर हिंदू और मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आगरा बेलनगंज हाथीघाट यमुना के किनारे बड़े हनुमान जी का मंदिर स्थित है। यह मंदिर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों की आस्था का केंद्र है, क्योंकि इस मंदिर की दीवारों पर जहाँ एक ओर रामचरितमानस, सुंदरकांड और रामायण की चौपाइयाँ लिखी हुई हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। जो तीसरे गुरु बाबा थे मेरे हर बाबा, तो उनके एक मोमेंट शिष्य थे, तो वो बताते थे मंदिर को जब प्राण प्रतिष्ठा की गई थी तो उसको बनाने में कुछ अड़चने आ रही थी। तो उन्होंने इसका जो इनके फ्रेंड थे उन्होंने बताया कि कुछ कुरान की आयतें लिखती, तो जब से मंदिर को बनाने में कोई दिक्कतें नहीं है जब से इसका निर्माण होता चला गया है। यमुना किनारे बड़े हनुमान जी का मंदिर तकरीबन 76 साल पुराना है। मंदिर के पुजारी अनिल पंडित के मुताबिक मंदिर की स्थापना 76 साल पहले नरहरिदास निर्मोही ने कराई थी। सैकड़ों सालों से यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम मिलकर पूजा अर्चना करते आ रहे हैं। हिंदू मुस्लिम साथ में आते हैं, आराम से प्रेम से पूजा होती है। मुस्लिम महिलाएं यहाँ पर चुनरी चढ़ाती हैं नवरात्रों में, नवरात्र में भोग लगवाती हैं, सब काम होता है। हनुमान जी की बड़ी मूर्ति भी है। हाँ, 8 फुट की हनुमान जी मूर्ति, 8 फुट हनुमान जी। ये मेरा जन्म स्थल है, मैं यहीं की पैदा हूँ और यहाँ ये मेरा मायका है और हमारे इष्ट देव हैं हनुमान जी। तो हमारे दादाजी लोग के टाइम से हम इस मंदिर में आते आए हैं। हम सबके घर के बच्चों का मुंडन यहीं पे हुआ है, अब हमारे बच्चों का भी मुंडन यहीं हो रहा है। हम शुरू से इनको माना है, इन्हीं की सुरक्षा कवच में हम रहे हैं। हम सबको इन्होंने सुरक्षित कर रखा है, अपनी कृपा दृष्टि बरसा रखी है हमारे पूरे परिवार पे। और हम लोग यहाँ इस मंदिर में बहुत समय से आ रहे हैं। मेरा भी मुंडन यहीं पे हुआ था, मेरे कजन का भी मुंडन यहीं पे हुआ है, मेरे बच्चे का भी मुंडन आज हमने करवाया है। और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, कहा जाता है यहाँ पे उर्दू में आयतें लिखी हुई हैं। तो ये ना कि सिर्फ हिंदू का मंदिर है, साथ साथ ये हिंदू मुस्लिम भाईचारे और अनेक धर्मों के लोगों के लिए एक जगह है जहाँ पे लोग आके प्रार्थनाएं अपनी और दुआएं कर सकते हैं इकट्ठे। तो ये मंदिर इसलिए भी फेमस है आगरा में, जहाँ पे सभी धर्म के लोग इकट्ठे आकर प्रार्थना कर सकते हैं। इस मंदिर में लिखी कुरान की आयतों का क्या मतलब है, ये बहुत से लोगों का सवाल होता है। इस मंदिर की दीवारों पर कुरान शरीफ की आयतें लिखी हुई हैं, जिसमें सूरह इखलाक लिखी हुई हैं, जिसमें काफरी ने मक्का का जिक्र किया गया है। इसमें बताया गया है कि अल्लाह एक है, वह जाति धर्म को नहीं मानता है, जबकि दूसरे पत्थर पर उर्दू में हमेशा सच बोलने की सीख दी गई है। आगरा से हरी कांसर मा की रिपोर्ट।